पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ाने में फायदेमंद है ये चार सीड्स, स्वास्थ्य भी रहेगा बेहतर। गलत खानपान और गलत लाइफस्टाइल लोगों को बीमारियों का शिकार बना रही है। ऐसे में ज्यादातर लोग जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं और इसका असर उनकी सेहत के साथ साथ पुरुषों की फर्टिलिटी पर भी दिखाई दे रहा है, पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में हमारी ये रिपोर्ट जंक फूड, स्ट्रीट फूड्स खाने वालों को बुरी लग सकती है, लेकिन सवाल आपकी सेहत का है, इसलिए ये रिपोर्ट हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए आप किन बीजों का सेवन कर सकते हैं या वो कौन से बीज हैं जो आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए आप कद्दू के बीजों का सेवन कर सकते हैं। कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं जो स्पर्म उत्पादन और प्रजनन क्षमता में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो स्पर्म की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये सीड्स पुरुषों में प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हेल्दी माने जाते हैं जो आप पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के फ्रैक्चर की समस्या को रोक सकता है। कद्दू के बीज के साथ ही चिया सीड्स भी आपकी मदद कर सकते हैं। चिया सीड्स पुरुषों के ओवरऑल हेल्थ में हेल्पफुल होते हैं। फैमिली प्लानिंग करने वाले मेल्स इन सीड्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चिया सीड्स दिल के स्वास्थ्य, मांसपेशियों के निर्माण, शरीर की ताकत बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। साथियों, पुरुषों की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए तिल के बीज भी बेहद फायदेमंद हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो उन एंजाइमों को रोकते हैं जो स्पर्म की गतिशीलता और इनको बढ़ने से रोकने में बाधा बन सकते हैं। तिल के लिग्नान शुक्राणु की गुणवत्ता या दाश्त बढ़ाने और कामेक्षा में भी सुधार कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार काले तिल सबसे अच्छे होते हैं। आप सनफ्लावर के सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं। ये आपके प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में बेहद असरदार हैं। इसमें विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य, तिल के स्वास्थ्य, ब्रेन हेल्थ को बढ़ावा देने के साथ प्रजनन कार्य को बेहतर करने और शुक्राणुओं को सुरक्षित करने में आपकी मदद करता है। साथ ही सूरजमुखी के बीजों का सेवन तनाव को कम करने और आराम को बढ़ावा देता है। साथियों, अब सवाल उठता है कि आपको इन बीजों का सेवन कैसे करना है। पुरुषों में प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर रखने और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आप कद्दू के बीज, चिया सीड्स, तिल के बीज और सनफ्लावर के बीज को बराबर मात्रा में मिलाकर भून लें। इसके बाद सीड्स के ठंडे होने पर इन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। रोजाना सुबह नाश्ते के पहले या फिर शाम को स्नैक्स के रूप में एक बड़ा चम्मच सीड्स इनको सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, पुरुषों में फर्टिलिटी का बढ़ाना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ाए रखना चाहते हैं तो आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो, जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।